Well, hi guys, welcome back to my channel, Onamini's Beauty. I am Sana. कैसे हैं आप सब? मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी DIY जो आपके अपर लिप्स के हेयर को रिमूव कर देगा. अपर लिप्स की जो प्रॉब्लम है आजकल मोस्टली सभी गर्ल्स को ये है, जो बहुत ही गंदे दिखते हैं. सब गर्ल्स ये करती हैं, थ्रेडिंग करवाती हैं, वैक्स करवाती हैं. कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो इस पे रेजर यूज करती है, जो बहुत ही गंदी बात है. इसको रेजर नहीं करना चाहिए. इसके बाद रेजर से करने से होता क्या है कि करे करे बाल निकलने लगते हैं, उसके बाद और खड़े बाल निकलते हैं करे करे, जो बहुत ही गंदे हो जाएंगे. वो मर्द की तरह मूछ की तरह हो जाएंगे, तो बहुत गंदे लगते हैं. गर्ल्स मैं आपको बता दूं कि आपको रेजर से नहीं करना है, ये रिमूव बाल नहीं करना है आपको. आज मैं आपको बहुत ही इजी DIY बताने वाली हूँ आप सबके लिए, जो बहुत ही आपको ये फायदा करेगा. बहुत ही अच्छा DIY है. आपको मंथली आपको यूज करना है. वीक में 2 से 3 बार आपको रेगुलर यूज करना है. आप 2 मंथ इसे यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. रेगुलर यूज करने के बाद आपको बहुत ही कम बाल आने लगेंगे, भी धीरे धीरे आपके वो बाल नहीं आएंगे. बहुत ही कम, एकदम छोटे छोटे जो नाक के बराबर दिखेंगे नहीं, वैसे आपके हेयर आने लगेंगे. तो ये DIY आपको यूज करना बहुत ही जरूरी है. तो चलिए इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे इसे बनाना है, तो चलिए देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. पेस्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे बेसन. 1 स्पून हम बेसन ले लेंगे. ये आपकी स्किन को बहुत साफ करेगा, और ये करने के बाद अब बहुत सॉफ्ट आपका स्किन रहेगा, कोई आपको कड़कपन नहीं लगेगा. तो 1 स्पून हम बेसन ले लेंगे. 1/2 स्पंज हल्दी ले लेंगे. हल्दी बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है. ये आपके रंगत को निखारता है, और ये जितने भी इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये बहुत ही अच्छे से आपको साफ कर देगा स्किन. उसके बाद हम लेंगे मिल्क. इतना मिल्क ऐड करेंगे ताकि ये गाढ़ा पेस्ट बन जाए. देख सकते हैं फ्रेंड, गाढ़ा पेस्ट बन चुका है. इस तरीके से पेस्ट बनाना है, गाढ़ा पेस्ट. कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए बिल्कुल. तो इस तरीके से हम इसे बना लेंगे. अब हम इसे अप्लाई करेंगे. तो फ्रेंड, DIY रेडी है. सी, ये है वो DIY जो आपको अपर लिप्स है, या फिर आपके जहां भी आपके फेस पे हेयर है वो आप लगा सकते हैं, वहां पे वो आपके रिमूव हो जाएंगे. तो मुझे यहाँ पे भी हेयर है कुछ, देख सकते हैं फ्रेंड्स. और यहाँ पे मुझे बहुत हेयर होते थे, मैंने यूज किया है, बहुत कम हो चुका है ये. फिर भी मैं आज आपको बता रही हूँ, ये मैंने 1 महीना पहले स्टार्ट किया है, तो कम हुए फ्रेंड्स. देख सकते हैं आप, पहले मेरे बहुत ज्यादा थे, तो मुझे बहुत गंदे लगते थे, और थ्रेडिंग वैक्स से मुझे बहुत पेन होता था. तो मैंने वो छोड़ दिया है, तो मैं ये यूज करती हूँ. तो आपको भी मैं ये बता रही हूँ, आपको करना क्या है कि आपको जहाँ जहाँ पे हेयर है ऐसे आपको लगाना है. आप चाहें तो आप पूरे फेस में भी ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉरहेड पे भी हेयर होते हैं छोटे छोटे, जो अच्छे नहीं लगते हैं. उससे होता है कि फॉरहेड काली काली लगने लगती है, तो आप फॉरहेड में भी यूज कर सकते हैं. तो मैं आपको पूरे फेस पे लगा के दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट आएगा आपको. वैक्स से फिर बहुत पेन होता है, जो बहुत सी गर्ल्स सह नहीं पाती है, और बहुत ही रेड हो जाती है. मैंने भी एक बार वैक्स कराया था फिर, उसके बाद मैंने बोला ना बाबा मुझे नहीं करवाना है. तो फिर मैंने ये DIY यूज करना स्टार्ट किया है. बहुत मुझे रिजल्ट अच्छा मिला, बहुत हेयर कम आने लगे है मेरे फेस पे. तो ये आप जरूर ट्राई कीजिए. इस तरीके से आपको लगा लेना है पूरे फेस पे. बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो हल्दी नहीं देना चाहती है, उससे फेस आपका येलो येलो
लगने लगते हैं। बट फ्रेंड आपको ये हल्दी देना बहुत ही जरूरी है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है क्योंकि इससे आपके रंगत को निखार मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस येलो नहीं लगे तो आप ये लगा के आपको एक दो घंटे के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं, जिससे आपको पीलापन आपका खत्म हो जाएगा। तुरंत आप फेस वॉश नहीं यूज करें, आपको एक दो घंटे बाद फेस वॉश यूज करना है। आप पहले आप नॉर्मल पानी से फेस धो लीजिए अपना, ऐसे आपको 15 से 20 मिनट तक मसाज करना है। फ्रेंड्स मसाज करने से क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे हेयर है ना वो मतलब छूटने लगेंगे, निकलने लगेंगे। ये आपको वीक में 2 से 3 बार ट्राई करना है और 2 मंथ आपको रेगुलर यूज करना है। पहले आप मसाज कर लीजिए, देख रहे हैं जैसे जैसे सूखेगा ये बहुत ही टाइट होता जाएगा, फिर बहुत ही करा करा होगा। तो उससे आपको जब भी आप फेस धो डायरेक्ट नहीं धोए, आपको ये निकाल के धोना है, ऐसे ऐसे रब करके निकाल के आपको धोना है ताकि उससे आपके जितने भी हेयर है वो निकल जाएंगे। देख सकते हैं फिर किस तरीके से करना है ताकि वो ऐसे छूटने लगे। इससे आपको कोई पेन नहीं होगा, फिर कुछ भी पेन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स ये सूख चुका है, अब मैंने मसाज करते करते ये एकदम सूख गया है। तो अब इसे इस तरीके से इसे तब आप देख सकते हैं ये छूट रहा है। तो अब इसे एकदम करेंगे ताकि इससे आपका हेयर निकले, बहुत ही कड़ा हो चुका है। देखिए ये सब आपका गिरेगा नीचे इस तरीके से। ऐसे रब कर करके ऐसे सब निकालना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पूरा निकाल लिया है, ये जो है ये सब येलो येलो हल्दी है, बाकी ये सब बेसन सब निकल चुका है। इस तरीके से हेयर आपके बहुत कम हो जाएंगे, आप इसे वीक में 2 से 3 बार यूज कीजिएगा। तो मैं आपको फेस धो के आपको दिखाती हूँ। वैसे तुरंत तो आपको ये रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट आपको हाँ वीक में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैं आपको फेस धो के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने फेस नॉर्मल पानी से धो लिया है, आप देख सकते हैं कितना मेरा फेस सॉफ्ट लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें हल्दी और बेसन ऐड किया था। हल्दी आपके रंगत को निखारता है। तो मेरा पहले से चेहरा वाइट लग रहा है क्योंकि पहले मेरा स्किन बहुत ही डल लग रहा था, अभी मेरा स्किन बहुत वाइट थोड़ा सा शाइन कर रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले से मेरा शाइन कर रहा है। तो इससे ये भी अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आपके फेस को ग्लो और फेयर बनाता है और आपके जितने भी बाल हैं हेयर है वो सबको रिमूव करता है। तो इससे 2 फायदे हैं फ्रेंड्स, कोई भी आपको गलत रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना अच्छा निखार आ गया है। हल्दी आपको रंगत को निखारता है, तो फिर आपको हल्दी ऐड करना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड मैंने फेस वॉश यूज नहीं किया बट मेरा फेस येलो येलो नहीं लग रहा है। अगर आपको येलो लग रहा है तो आप फेस वॉश कर सकते हैं, बट मुझे अपना फेस येलो नहीं लग रहा है तो मैं फेस वॉश नहीं करूंगी। क्योंकि फेस वॉश करने से क्या होता है कि जो भी मैंने लगाया है उसके जो भी गुण है सब खत्म हो जाएंगे, तो इसे अभी नहीं लगाना है। अगर आपको करना है जिस वक्त आप लगा रहे हैं, जैसे कि आप मॉर्निंग में यूज कर रहे हैं, तो आप इसे शाम में या नाइट में आप फेस वॉश कर सकते हैं। तुरंत आपको फेस वॉश नहीं करना है। फ्रेंड अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा तो उसे भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।
तो फ्रेंड मैं चलती हूँ, ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें मेरे लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।